तो दोस्तों फिलहाल अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देता है अचानक बारिश आने के कारण, बहुत सारी ज़ोरदार बारिश होने के बाद या फिर बहुत सारा पानी में गाड़ी जाने के बाद जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देता है उसका आज का वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक बने रहिए और जो फॉल्ट है वो आज दिखाने वाला। देखो दोस्तों अभी फिलहाल बारिश तो शुरू है, उसका एक पहले वीडियो डाल चुका हूँ जो वाइपर का, मोटर का और ब्लेड का। तो दूसरा वीडियो चालू करते दोस्तों स्टार्टिंग का। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल बागवर, पीछे हथगढ़ किला जो महाराष्ट्र और गुजरात के जो सापुतारा बाउंड्री पे, और फिलहाल मैं घूमने आया था और जो मेरा भाड़ा है। और वीडियो बनाने के लिए मैं शुरुआत करने से पहले आपको बताए तो ये जो गाड़ी आई है फिलहाल, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी ये जो बरसात होने के बाद जो गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है, तो वो जो स्टार्टिंग की यानी करंट गुल हो जाए या कुछ दूसरा प्रॉब्लम है या फिर उसका फ्यूज उड़ गए, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले बहुत से वीडियो बनाए, टू स्ट्रोक गाड़ी और फोर स्ट्रोक। तो दोस्तों आप गाड़ी का मेंटेनेंस या कुछ चीज़ें पे ध्यान रखना चाहिए, जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो या क्या प्रॉब्लम है, बरसात गर्मी या ठंड का मौसम, हर टाइम पे अलग अलग मौसम में गाड़ी को जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। तो फिलहाल अभी स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम है तो देख सकते फिलहाल इसमें गाड़ी में सेल मारने के बाद भी कोई गाड़ी रिस्पॉन्स दे रही नहीं है। तो इसके अंदर का जो करंट है वो प्लग के अंदर नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है अभी वो चेक करना है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान, और मेरा दोस्त है फिटर इमरान, तो उसके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो एडिटिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो भी पूरी जानकारी देने के लिए आप पूरा लास्ट तक देखते नहीं और स्किप कर देते। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो लास्ट तक बने रहिए। ये प्रॉब्लम क्यों आता है बरसात में या कोई और मौसम में भी, तो फिलहाल आप देख सकते हैं गाड़ी को सेल मारने के बाद कोई रिस्पॉन्स दे, स्टार्टर तो चल रहा है, करंट बैटरी का पूरा बराबर है, फिर ये क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए था दोस्तों, पर वो हो रहा है। तो उसका जो सोल्यूशन है अभी आपको पता चलेगा, तो वीडियो पूरा तर लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी इसकी जो कॉइल है वो खोल ली है, वो चेक करने के लिए, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। ये जो है इग्निशन कॉइल का जो प्रॉब्लम है, उसे खोलने के लिए आपके पास 10 का चपटी पाना या रिंग पाना है। अभी उसकी अर्थिंग वायर भी खोल लेते, पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा इसको जो प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट हो गया है या उसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो दोस्तों फिलहाल अभी ऑटो ड्राइवर के लिए उसको बोला है कि नया वाला भी लेके आए या उसको क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए। फिलहाल अभी ये खुल चुका है दोस्तों, ये ज़्यादा प्रॉब्लम तो देता नहीं है, पर कभी कभार वो बरसात के दिनों में शॉर्ट हो जाता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं दोनों में, ये पुराना ये नया है, ये वाला देख सकते हैं इसमें जो पावर इग्निशन जो किस चीज़ का जो प्रोडक्ट है। और फिलहाल इसका जो MRP है दोस्तों 287 है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, फिलहाल थोड़ा अलग दिख रहा है। तो अब फिटर बोल रहा है उसको चेंज करें, ये दूसरा वाला लाए, ये 355 मतलब 355 रुपीज़ का है। तो फिलहाल ऐसा MRP अलग अलग और ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क करना मुश्किल है, इसलिए दोस्तों फिटर से पूछ लेना है, अच्छे क्वालिटी का डाले अभी फिलहाल ये अच्छे क्वालिटी का है, MRP अलग अलग हो सकती है, ब्रांडेड डालेंगे या फिर बजाज कंपनी का डालेंगे तो कम से कम और ज़्यादा महंगा हो सकता है। अभी अर्थिंग वायर लगा देते हैं, नई वाली लगा के देखते हैं या उसमें क्या प्रॉब्लम है। या अर्थिंग वायर अच्छे से फिट करना है दोस्तों, क्योंकि बॉडी को अर्थिंग मिलने के बाद ही जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों इसकी जो अर्थिंग वायर है बॉडी को अच्छी तरह से फिट कर देना है जो ब्लैक कलर की, क्योंकि इग्निशन कॉइल से निकलने वाला करंट कम से कम 20,000 के आगे होता है और ये करंट बहुत ही डेंजरस होता है प्लग को लगाने के वक्त, इसलिए उसको बॉडी को ऊपर भी फिट कर देना है। इग्निशन कॉइल को फिट क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों उसके जो नट है 2-10 नंबर के, वो अच्छे से फिट करने के बाद क्योंकि लूज़ हो जाए या हिलने लगे तो फिर शॉर्ट हो जाएंगे और फिर आपको स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देंगे। दोस्तों मैंने इसके ऊपर भी पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो फिलहाल ये अलग वीडियो है, तो इसलिए आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना और कहाँ तक पहुँचे कमेंट कर देना। फिलहाल अभी आगे चलते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी तो चालू ये ऑन कर देते खाली, उसके बाद नीचे का बटन जो स्टार्टिंग का वो दबा देंगे जब बैटरी निकलने लगा करंट के थ्रू जो स्टार्टर में जाता है। दोस्तों फिलहाल अभी उसको एक हाथ में कैमरा है तो एक्सलेटर देने में प्रॉब्लम आ रही है, उसका टोनर थोड़ा कम है, तभी दूसरे ड्राइवर को बोलता है बंदे को कि थोड़ा एक्सलेटर देके गाड़ी चालू करे। तो देखो दोस्तों अभी स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी और पीछे चलते उसमें करंट आ चुका है, तो मतलब इग्निशन कॉइल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो कभी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं, आपका जो कमेंट है मैं पढ़ के ज़रूर सुनाऊँगा। तो दोस्तों चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो के लिए, मैं अनिल बागवल ऑटो रिक्शा ज्ञान में आप वही से वीडियो मिलेंगे और मिलते रहेंगे।
दोस्तों मुझे फॉलो करने के लिए आपको YouTube या Google पे जाने के सर्च बार इंजन में जाने के बाद वहाँ ऑटो रिक्शा ज्ञान या फिर अनिल बागुल ये सर्च करना है। उसके बाद मेरे वीडियो लिंक ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको मेरे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक या फिर आपको बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको मेरे आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपका सभी का स्वागत है। मिलते हैं।